हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, एयर टू ग्लास लाइट जाएगी और फिर ग्लास टू एयर, तो रेयरर से डेंसर और फिर डेंसर से रेयरर। तो ये रूल आपको पता है, रेयरर टू डेंसर जब लाइट जाती है तो लाइट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कंडीशन हमारी लगेगी और ये आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइट जो आ रही है हमारे पास, अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो ये देखिए आप, यहां से ये है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट, ठीक है, जो ई एफ है। तो फिर डॉटेड लाइन हमारा नॉर्मल है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं जो ओरिजिनल पाथ था ई एफ का, अगर उसी लाइन को आगे हम बढ़ाते चले सीधी, तो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है जो एम तक जा रही है, एफ से एम तक। फिर आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक लाइन है, जो बोल्ड या डार्क लाइन है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, क्यों? क्योंकि रेयर टू डेंसर की कंडीशन है। फिर ये दूसरे इंटरफेस सी डी पर पहुंचती है, तो पहले ए बी पे थी, अब सी डी इंटरफेस है, ये जो सी डी लाइन है, तो ये इंटरफेस क्या है, एयर टू ग्लास का। तो यहाँ पे अब ये एफ जी लाइन, ये हमारी इंसिडेंट बन गई है, ये वाली इंसिडेंट बन गई है जो इधर आ रही है, ठीक है। तो ये एफ जी हमारी इंसिडेंट है। अब यहाँ आप देखिए, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, जो आपकी डॉटेड लाइन है जो जी से क्रॉस हो रही है, जी पॉइंट से डॉटेड लाइन जो कि सी डी पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी जी एच जो लाइन है, डार्क लाइन, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो गई है, क्यों? क्योंकि डेंसर टू रेयरर का केस है। तो लाइट के साथ क्या हुआ, यहाँ से लाइट आई, इधर मुड़ी और फिर इधर हो गई, ऐसे कुछ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब आप देखिए, तो यहाँ पर ये क्या दिखाया हुआ, ये देखिए आप, एट द सरफेस ए बी, जो ए बी सरफेस है, ए बी सरफेस पर आप देखिए, ऊपर का मीडियम एयर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एन वन से लिखा हुआ है वो है वन, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन टू, और फिर ये आगे एन थ्री, फिर से दोबारा एयर, तो एन थ्री एन वन के बराबर ही है। तो एट द सरफेस ए बी आप कह सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पर ये इन्होंने एन वन लिख दिया, लेकिन जो नीचे वर्ड यूज किया गया है, जो सिंबल यूज किया गया है, वो है म्यू, तो म्यू वन इज इक्वल टू क्या है, वन, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है वन। तो स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करें तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज गोइंग या लाइट इज एंटरिंग। तो आप लिख सकते हैं क्या, अगर मैं सीधे, अगर हम इस इक्वेशंस को बुक में ना देखकर आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज एंटरिंग। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि लाइट जो एंटर कर रही है, ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का। लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ मीडिया क्या है, पेयर यानी जोड़ा, तो दूसरा मीडिया है एयर, दूसरा मीडियम, और एक है ग्लास और दूसरा है एयर। तो आपको पता है कि हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कंपेयर किया जाता है, या उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो ये जो म्यू जी है, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये एयर के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको तरीका बताया था, जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा होगा वो ऊपर आएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, म्यू एयर। तो यहाँ पर म्यू जी को इन्होंने नाम दे रखा है म्यू टू, भाई सेकेंड मान रखा है ग्लास को, और म्यू ए को नाम दे रखा है म्यू वन। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, आप इसे लिख सकते हैं म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर अगर आप करेंगे, तो साइन आई और साइन आर तो दो बन रहे हैं इस वाले केस में। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से भाई, एक तो यहाँ पर ये बन रहा है आई आर वन, जो यहाँ आप देख पाएंगे, मैं सर्कल करता हूँ, और
और इसी प्रकार आप दूसरी जगह देख पाएंगे जहां पर आई टू और आर टू, तो दो जगह हमें सेनेल्स ला अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार तो फेस या सरफेस ए बी पर और एक बार सी डी पर। तो हम यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया है सबसे पहले सरफेस ए बी पर, तो ए बी पर अप्लाई करोगे तो म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई वन बाई साइन आर वन। तो इसे आप रीअरेंज कीजिए तो आपको मिलेगा म्यू टू साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू वन साइन आई वन। म्यू वन वन है इसलिए म्यू वन की जगह पे आप क्या रख दोगे, इस म्यू वन की जगह पे आप क्या रख दोगे वन, तो साइन आई वन अकेला रह जाएगा। तो आई टू, अब आप देखिए सरफेस इन्होंने सिमिलरली एट सरफेस सी डी की अगर हम बात करें तो सी डी सरफेस में लाइट देखिए ग्लास से चल रही है, और ग्लास से चल के कहाँ पे जा रही है, एयर में। तो अब लाइट कौन से मीडियम में एंटर कर रही है, देखा जाए तो फर्स्ट मीडियम हमारा ग्लास हो गया और सेकंड एयर, तो जिसमें एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिससे आई उसका नीचे है। तो क्या होगा अब उल्टापन की कंडीशन, तो क्या बनेगा यहाँ पे म्यू एयर अपॉन में म्यू ग्लास, और नियम वही साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई टू अपॉन साइन आर टू। तो साइन आर टू, म्यू वन म्यू ए को आप क्या लिख सकते हो म्यू वन, इसको म्यू वन लिख सकते हो, और म्यू जी को आप क्या लिख सकते हो म्यू टू, ठीक है ना, क्योंकि हमने शुरू में ही नाम दे रखा है, एयर वाले को हम वन नाम देंगे, ग्लास वाले को टू नाम देंगे। तो अब ध्यान से देखिए म्यू वन की किससे गुणा हो जाएगी, साइन आर टू से। तो आप यहाँ पे देखिए तो सरफेस सी डी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो म्यू टू इंटू साइन आर वन, तो आया समझ में, म्यू टू इंटू साइन, ये तो पीछे का था साइन आर वन वाला, और ये म्यू थ्री इंटू साइन आर टू, देखिए अब कैसे हो गया, ये आपको समझना है जरूरी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आर वन है, अब आप देखिए यहाँ पे अल्टरनेट एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ इधर और इधर और बीच में ब्लैक लाइन, ये दोनों जुड़ के जेड बन रहा है। तो आर वन किसके बराबर है, आई टू के, आर वन किसके बराबर है आई टू के। तो हम क्या लिखेंगे, हमने भी लिखा था फॉर्मूला कि म्यू एयर में एंटर कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसको म्यू वन बाय म्यू टू, लेकिन म्यू टू को देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या नाम दे रखा है एन थ्री, यानी म्यू थ्री, ये सॉरी म्यू वन को लिखेंगे यहाँ पे म्यू थ्री, क्योंकि एयर वाले को नाम दे रखा है, तो जिसमें लाइट एंटर कर रही है वो वाला मीडियम ऊपर आता है, तो एयर में एंटर कर रही है और एयर वाले को यहाँ पे म्यू थ्री नाम दे रखा है, और ग्लास वाले का नाम म्यू टू था ही। तो यहाँ पे साइन, अब आई टू, आई टू किसके बराबर हो गया आर वन के, और बटे में साइन जो आपका बाहर निकल रही है लाइट उसका नाम आर टू है, तो साइन आर टू ही गुणा कर दो म्यू थ्री से और म्यू टू ही गुणा कर दो साइन आर वन से। तो अब आप देखिए यही इन्होंने किया हुआ है, देखो म्यू टू इंटू साइन आर वन कर दिया और म्यू थ्री इंटू साइन आर टू कर दिया, म्यू थ्री फिर से वन है, तो म्यू टू साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आर टू। तो साइन आई वन इज इक्वल टू साइन आर टू इन्होंने लिख दिया, ये यहाँ पे कैसे लिख दिया, तो ऊपर वाली इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे भी है म्यू टू इंटू साइन आर वन है, और यहाँ पर भी है म्यू टू इंटू साइन आर वन है, यहाँ से ऊपर देख रहे हैं म्यू टू इंटू साइन आर वन है साइन आई वन के, और नीचे म्यू टू इंटू साइन आर वन है साइन आर टू के, तो साइन आई वन और साइन आर टू ये भी आपस में क्या हो गए इक्वल, इसलिए इन्होंने लिख दिया, इसलिए आई वन इज इक्वल टू क्या होगा आर टू। ऐसा समझ में, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ एमरजेंस भी होगा, तो ये एंगल ऑफ एमरजेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, तो आई वन इज इक्वल टू क्या होगा आर टू। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को यहाँ तक, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ना समझ में आए तो आपको आ जाएगा, ठीक है, साथ में नोटबुक में आप लिखते रहिए जो जो मैं बता रहा हूँ, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एक खासियत यहाँ पे देखने को मिली कि लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था, जो ये डॉटेड लाइन के रूप में हमने दिखाया है, जो ये दिखाया ना इधर देखो ये वाला ये ओरिजिनल पाथ था, और ये अब लाइट बाहर निकल रही है एमरजेंट, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनके बीच में आपस में आप देख रहे हो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया जी एन, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है ये जी एन,
इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरली डिस्प्लेस हो गई है रे अपने ओरिजिनल पाथ से, ये होता है ग्लास स्लैब के अंदर। आगे अब देखिए, अगर आपके पास पेयर ऑफ मीडिया सेम है, जोड़ा कॉन्स्ट वो फिक्स है, तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, 35, 40, 45, 50 कुछ भी लिखते जाओ, अपनी मर्जी से लेते जाओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, और फिर साइन आई और साइन आर ले दो, और ये रेशियो इन दोनों का रेशियो निकालो। तो रेशियो निकालोगे तो ये क्वांटिटी आपको क्या मिलती है, कॉन्स्टेंट, और टेबल में दिखाई दे रहा है जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, जिसके कारण हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है साइन आई और साइन आर के बीच में। और इसका स्लोप अगर हम निकालें तो वो स्लोप थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, और इसी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ये एक बात और बताइए कि अगर आप ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ा दो, मटेरियल चेंज कर दो, मीडियम चेंज कर दो, तो क्या फर्क पड़ेगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट पे? तो जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा करोगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ा दोगे तो भी ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दोगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ ऑफ लाइट ज़्यादा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम। ये न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल आप देखिए, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली दिस। तो देखिए क्या कहा इन्होंने, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था मैंने सबसे पहले कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम यहाँ पे क्या है, ग्लास है। तो आपसे व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमसे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछी है, और म्यू जी दिया हुआ है, म्यू जी है 1.50, तो म्यू जी आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू आपको ये वाली निकालनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट को दूसरी तरफ ले जाओ और म्यू जी को बटे में ले आओ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से लिखते हैं, तो ये इन्होंने स्मॉल सी से लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और बटे में म्यू जी कर दो। सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 3 × 10⁸, वो रख दो और 1.5 से डिवाइड कर दो, तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये कम आई, 3 × 10⁸ से कम हो गई है, तो यानी ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है एयर के कंपेरिजन में, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगले न्यूमेरिकल आप देखिए, अगला न्यूमेरिकल भी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड फॉर ग्लास इट इज 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वाटर का भी दिया हुआ है और ग्लास का भी दिया हुआ है, और दोनों का किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, एयर के रिस्पेक्ट में, यानी पहले एयर और वाटर एक पेयर था, फिर एयर और ग्लास एक पेयर है, आप ये बोल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का आप सभी को पता है 1 होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हम लिखेंगे तो देखो, विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसकी वैल्यू बटे में होती है, और जिसका होता है उसके ऊपर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर वाले की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बटे में होगी, नीचे होगी, और वाटर की ऊपर होगी, तो हम लिख सकते हैं वाटर वाले को 2 मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और एयर का N1 है, तो हम इसे लिखेंगे N21, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। दी हुई वैल्यू है इसकी कितनी आपको पता है, ये वैल्यू 4/3 आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये दी हुई है, तो यही वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। तो अब इसी प्रकार आप ग्लास के साथ कर सकते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3 मान लो, एयर का वही N1 रहेगा, तो N3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू 1, थर्ड यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, 1 यानी एयर, तो 3/2 है। तो आप देखिए N32 हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास वाले का 3 नाम रखा है हमने और वाटर का 2, तो N32 हमें निकालना है। तो N32 हम कैसे निकाल सकते हैं, अब आप ये लिख सकते हैं सिंपली N32 लिख सकते हैं आप N3/N2, और N3 को लिखने का तरीका क्या है, N3 आपको दिया हुआ है 3/2 और N2 आपको पता है 4/3, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो यही इन्होंने किया है कि अगर मैं इसे लिख के दिखाऊं, स्क्रीन पे लिखना वैसे मुश्किल हो जाता है, देखिए हमसे पूछा है N32, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, N3/N2, क्योंकि जो पहले होता है उसकी वैल्यू ऊपर आती है और जो दूसरे नंबर होता है उसके नीचे। अब N3 बाय में N2, तो इसको आप N31 लिख सकते हैं, इसको
N21 लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये ऊपर का होता है ना अकेला, ये हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में होता है और या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, और उनका रेशियो है। तो N31 की वैल्यू आपको पता है 3/2, तो 3/2 ऊपर आ जाएगा, और N21 की वैल्यू आपको पता है 4/3 कर दो, और ये N9/8 आ जाएगा। इसको आप जो भी है कैलकुलेशन कर लेना, तो ये न्यूमेरिकल आप सभी कर लेना, जो नहीं समझ में आए उनसे पूछ लेना। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज में अब रिफ्रैक्शन की हम बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर जैसे आप पढ़ चुके हो, इसी प्रकार स्फेरिकल लेंसेज भी होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज होते क्या है, ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके जो दो सरफेस होते हैं वो दोनों ही स्फेरिकल होते हैं, स्फीयर का एक पार्ट होते हैं। जैसे कि अब ये इस तरह से, आप कुछ इस तरह से, तो ये वाला हिस्सा भी स्फीयर का पार्ट है, ये वाला हिस्सा भी स्फीयर का पार्ट है, क्योंकि इसे घुमाओगे तो पूरा स्फीयर बनेगा, इसे घुमाओगे तो भी पूरा स्फीयर बना सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे लेंसेज हैं। तो आप ये कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल या मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस विच आर पार्ट ऑफ ए स्फीयर, या विच वन और बोथ आर स्फेरिकल। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्फेरिकल हो, एक पार्ट आपका स्फेरिकल हो, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ दिखाया हुआ है, एक पार्ट स्फेरिकल है, एक पार्ट फ्लैट है, ऐसा भी हो सकता है। वो भी आपका क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। तो लेंसेज टू टाइप के हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये सेंटर से थिक होता है और किनारों पे टेपर होता है, किनारों पे पतला होता जाता है। और कनकेव लेंस जो सेंटर से थिन होगा और किनारों पे आपका क्या हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा। तो ये वाला आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है। तो ये देखिए सेंटर से ये थिक है और एजिस पर से थिन होता जा रहा है, ये सेंटर से थिन है और एजिस पे थिक है। तो वही टर्म जो हमने पीछे पढ़ी थी मिरर के बारे में, वैसे ही टर्म्स यहाँ पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो ये स्फीयर आप बनाओगे, इस जो ये आपका पार्ट दिखाई दे रहा है स्फेरिकल पार्ट, इसका कंप्लीट स्फीयर बनाओगे तो उसका एक सेंटर आएगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो लेंसेज में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि दो सरफेसेज है, अब दोनों स्फेरिकल है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो हो जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस वही जो ऑप्टिकल सेंटर, जो आपका लेंस है, लेंस का जो ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है सी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, बिल्कुल मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन गुजरती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो होता क्या है, जो रेज पैरेलल आती है वो, अब ये ट्रांसपेरेंट है, दूसरी तरफ निकलेगी और एक पॉइंट पे मीट करती है, उसे हम बोलते हैं फोकस। इसी प्रकार जो फोकस से निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो कन्वेक्स लेंस के केस में रियल फोकस होती है, आपकी रियल में रेज मीट करती है, लेकिन कनकेव लेंस के केस में वर्चुअल फोकस होती है, वहाँ पर रेज मीट नहीं करती, ये आप बोल सकते हैं। तो दो प्रिंसिपल फोकस हो सकती है, एक इसके लेफ्ट में हो सकती है, एक इसके राइट में हो सकती है। तो द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये समझिए, पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो पोजिशन जो बनेगी ना इमेज की, जो कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो वो वाली जो फोकस कहलाएगी सेकेंड। द वर्चुअल पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अब ध्यान से देखना, वर्चुअल पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो वर्चुअल पोजिशन है वो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं, एक पॉइंट जहाँ पर भी रखते हैं, वो आपका कनकेव लेंस जो बनाता है इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। तो याद रखना, फर्स्ट क्या होती है, जिस पे आप रखो किसी ऑब्जेक्ट को, वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। तो इन्होंने कनकेव का केस लिया तो वर्चुअल बोल दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की, अगर हम कन्वेक्स लेंस के केस में बात करें, तो द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस फॉर विच द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी एक ऐसा पॉइंट पे रखिए ऑब्जेक्ट को कि उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बने, तो वो जो फोकस कहलाएगी आपकी, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगी।
तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, कनकेव डाइवर्जिंग कहलाता है। तो ये आज हम यहीं तक करते हैं।